एवरीवन, आज बनाएंगे मटन कोरमा। उसके लिए मैंने ये आधा केजी मटन ले लिया है और इसके कुछ मसाले ले लिए हैं। ये एक टीस्पून जीरा है, 5 लौंगे हैं, 5 काली मिर्चें हैं, 3 इलायचियाँ हैं, 1 जायफल का टुकड़ा है और 1 बड़ी इलायची है, ये अलग पीसेगी सूखी। और ये 1 टीस्पून खसखस है और 2 टीस्पून नारियल है और 1 टीस्पून मगज़ है, ये अलग पीसेंगे गीले। और ये सूखा मसाला है, 1 टेबल स्पून नमक है, 2 टेबल स्पून धनिया है और आधा टीस्पून मैंने हल्दी ली है, आधा टीस्पून मैंने लाल मिर्च ली है और आधा टीस्पून मैंने ये देसी मिर्च ली है। अब इस सबको बनाऊंगी तो आपको दिखाना शुरू करूंगी। और मैंने एक बिग साइज़ की प्याज ली है जिसको कि मैंने फाइन चॉप कर लिया है, इसका बघार करूंगी, अब आपको दिखाऊंगी। तो मैंने कुकर अच्छा सा गर्म कर लिया है और इसमें तकरीबन 150 ग्राम मैंने घी डाल दिया है। ये आपकी चॉइस है, आप घी में बनाएं या रिफाइंड में बनाएं, और सरसों के तेल में भी बना सकती हैं, लेकिन सरसों के तेल को पहले अच्छी तरह से जला लीजिएगा। तो मैं तो घी में बना रही हूँ क्योंकि घी में इसका टेस्ट बहुत अच्छा इन्हेंस होता है। ये घी अभी हो जाएगा तब मैं इसके अंदर प्याज डालूँगी। मेरी घी हो गया, अब मैंने उसके अंदर प्याज डाल दी है और इसको ब्राउन करके तब मैं बाहर निकाल लूँगी, फिर आपको दिखाऊँगी। देखिए प्याज हो गई, अब इस पैन पर मैं सारी प्याज को बाहर निकाल लूँगी। देखिए सारी प्याज मैंने निकाल ली है घी में से, अब मैं 1 मीडियम साइज़ की प्याज पीस ली है ग्राइंडर में, वो भी इसमें डाल दूँगी। पहले इसको अच्छी तरह से भून लूँगी फिर आपको दिखाऊँगी। तो ये मेरी प्याज अच्छे से भून गई है, अब मैं इसमें गोश्त मिला दूँगी। अब मैं जो मसाले सूखे रखे हैं वो मिला दूँगी इसके अंदर। देखिए ये हल्दी धनिया मिर्च मैंने आपको पहले दिखा दिया था, ये हल्दी धनिया मिर्च ये इसमें डाल दूंगी। अब 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डालूंगी और 1 कटोरी के करीब दही डालूंगी, दही खट्टा ना हो, सही दही हो, फ्रेश दही। ये दही खट्टा, ये खट्टा दही मत डालिएगा, फ्रेश दही डालिएगा। देखिए मेरा अच्छा से भून गया और इसमें घी को भी छोड़ दिया और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और इसी टाइम पर मैं इसमें तकरीबन 1 कप पानी डाल दूँगी गलने के लिए। मटन है इसलिए 3 विसल आने के बाद 5 मिनट इसको हल्की गैस पर रखूँगी, और अगर आप चिकन में बना रहे हैं तो फिर 1 सीटी काफ़ी है इसके लिए। देखिए कितना अच्छा मेरा गोश्त तैयार हो गया है। अब इसमें देखिए बड़ी गल भी गया है और शक्ल भी अच्छी आ गई है। मैं इसके अंदर जो मैंने खुशबू का मसाला ये पीस के रखा था वो डाल दूँगी, और नारियल और मगज़ और जो खसखस पीसी थी वो भी इसमें शामिल कर दूँगी। अब इसमें जो है वो प्याज जो हमने ब्राउन करके रखी थी 10 मिनट इसको ढक के पकाऊंगी ताकि सारे मसालों का अरोमा इसमें मिल जाए।
फिर आपको दिखाऊंगी। देखिए मेरा कौरमा अच्छा सा पक गया, तैयार हो गया। अब मैं इसमें 2 चम्मच देसी घी इसी टाइम पर डालूंगी। एक बार देसी घी डालने से बहुत अच्छी खुशबू आती है। इससे तेल जो है इनहेंस होता है। अब जब मैं दोनों में निकालूंगी तब आपको दिखाऊंगी। देखिए मेरा कौरमा अच्छे से तैयार हो गया। अब मैं इसको जो है वो डालूंगी केवड़ा। ये भी ऑप्शनल है, अगर आपके पास केवड़ा है तो डाल दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। लेकिन इससे ज़रा खुशबू इनहेंस होती है। और थोड़ा सा दालचीनी का पानी है मेरे पास, वो मैं इस पर डाल दूँगी, इससे खुशबू अच्छी आ जाएगी। और मैं इसकी प्लेटिंग कर लूँगी। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें। देखिए रोगन भी अच्छा सा आ रहा है इसमें, क्योंकि ये कौरमा है इसलिए रोगन तो इसमें ज़रा ज़्यादा ही रहेगा।